हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है। एशिया कप का माहौल बन चुका है। 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का पहला मुकाबला है। भारतीय टीम का भी ऐलान हो चुका है एशिया कप के लिए। कई खिलाड़ियों को जगह मिली है, नए चेहरों को जगह मिली और कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। उधर पाकिस्तान की टीम ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कप्तानी करेंगे बाबर आजम और उपकप्तानी जो है शादाब खान के कंधों पर है। तो चूंकि एशिया कप के लेकर लगातार बातें हो रही है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बाबर आजम पे बनाया जाए कि उनका एशिया कप में रिकॉर्ड दरअसल में कैसा रहा है और कैसा प्रदर्शन अब तक जो है बाबर आजम ने किया है। तो चलिए, एक ही बार बाबर आजम ने एशिया कप खेला है 2018 में। उसके बाद से तो विश्व कप हुआ, मतलब पेंडिंग ही पेंडिंग चल रहा था एशिया कप, फिर कोरोना आ गया, तो अब फाइनली जाके जो एशिया कप हो रहा है। और अपने दूसरे एशिया कप में जो है बाबर आजम उतरने वाले हैं इन सीनियर टीम, क्योंकि इससे पहले अंडर 19 एशिया कप में वो खेल चुके हैं, लेकिन सीनियर टीम के लिए जो है इनका ये दूसरा एशिया कप होने वाला है। 2018 में जब एशिया कप हुआ था तो उसमें बाबर आजम तभी बच्चा थे, मतलब उभरते हुए सितारे थे, लेकिन इतना ज्यादा जो है पाकिस्तान की टीम उन पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थी, मतलब और भी बल्लेबाज थे जिनसे रन की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इस बार बाबर आजम पर निगाहें होंगी, दुनिया के नंबर वन वनडे बल्लेबाज हैं, T20 बल्लेबाज है, टेस्ट में भी अच्छे खासे रैंकिंग पे है, टॉप 3 में आते हैं, तो ऐसे में बाबर आजम पर निगाहें तो रहेंगी। लेकिन 2018 में बाबर आजम ने क्या किया था, 5 मैच खेले थे और 5 मैच में जो है उनका बल्ला नहीं चला था। कुल 156 रन जो है बाबर आजम ने बनाए थे, 31 का ही एवरेज था और एक जो हाईएस्ट उनका स्कोर रहा है वो है 66 रन का। इससे ज्यादा बाबर आजम ने कुछ भी नहीं किया था लास्ट एशिया कप में, सिर्फ एक कैच भी उनका लिया था। हालांकि उस लास्ट जो एशिया कप हुआ था वहां पर पाकिस्तान का प्रदर्शन वैसे भी खराब था सरफराज अहमद की कप्तानी में, लेकिन होप्स हो कि इस बार बाबर आजम की कप्तानी में टीम की तकदीर बदले, कम से कम फाइनल तक का तो सफर तय करे, क्योंकि हमें पता है अब ये एशिया कप तो भारत ही जीत रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी बाबर आजम इस बार बढ़िया बल्लेबाजी कर और अपने जो आंकड़े हैं इनको कम से कम सुधार जरूर ले। 5 मैच में 166 रन शोभा नहीं देता है नंबर 1 बल्लेबाज को। धन्यवाद।